यहाँ पर आने के लिए आपको पालड़ी से सरदार ब्रिज की उड़ाना है और अटल ब्रिज के एग्जिट राइट साइड गेट नंबर 3 के पास इसका प्लेटफॉर्म बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे 15 मिनट सेफ्टी गाइडलाइन दी जाती है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ मित्तल जडेजा। अभी आपको अहमदाबाद में ही मिल जाएगी क्रूज की सुविधा। जी हाँ, गो टू गोवा मुंबई फॉर द क्रूज डिनर। नाउ वी हैव क्रूज एट अवर अहमदाबाद। यू कैन सी बिहाइंड, नाउ यू कैन एंजॉय लंच एंड डिनर एट द क्रूज। अक्सर रिवर क्रूज के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aksarrivercruise.com पर से करवा सकते हो, जहां पर ट्रैवलर की डिटेल फिल करके आप लंच या डिनर के लिए टाइमिंग्स बुक करवा सकते हो और उसका पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से भी कर सकते हो, जहां पर लंच के लिए 1800 रुपये पर पर्सन और डिनर के लिए 2000 रुपीज़ पर पर्सन के चार्जेस है। इस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट के एग्जिट सामने एक वेटिंग एरिया बना हुआ है, जहां पर आपको सेफ्टी गाइडलाइन दी जाती है। यहां पर लंच टाइमिंग दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक के और डिनर टाइमिंग 7 बजे से 10:30 तक के होते हैं, जबकि मुझे तो डे लाइट, इवनिंग एंड नाइट तीनों व्यू एक्सपीरियंस करने थे, तो मैंने तो 7 PM का टाइम सिलेक्ट किया था। और जैसे ही हमने एंटर किया, वहाँ का एम्बियंस लाइक वाओ। ३६० डिग्री व्यू ऑफ साबरमती रिवर एंड ब्यूटीफुल वाइब ऑफ रिवर क्रूज वॉज लाइक, क्या ये सच में हमारा अहमदाबाद है? Really, I was feeling so proud to have such a wonderful floating restaurant in our town. This is Krishna, manager Akshar Cruise. Okay, you are manager of Akshar? Yes, yes. Okay. So, finally, how many people come here? It's almost we have capacity of 82%. Crew members are exclusive, other than this, 25 people more. We have total capacity of 150%, but we have seated only 82, so we are calling 82 guests. Fine. Thank you. Due to the water level conditions, we can't move so long. We'll just move nearby the Atal Bridge because of the water level is low and our cruise will touch downside, so we can't take any risk for that. जैसे कि आपने सुना, वो बता रहे हैं कि फिलहाल अभी क्रूज का रूट सिर्फ अटल ब्रिज तक का ही रहेगा ड्यू टू वाटर लेवल इज लो, बट दे आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून इसका रूट दधीची ब्रिज तक का हो जाएगा। फूड की बात करते हैं तो यहाँ पे इंडियन कॉन्टिनेंटल, गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी फूड के डिशेस आपको मिलेंगे। मुझे वहाँ की राजस्थानी डिश पापड़ वड़ी की सब्जी बहुत अच्छी लगी। It's like घर का खाना। Oh, first of all, happy birthday to you and thanks for the lovely cake. Thank you. शाम के वक्त हम डिनर लेने से पहले ही अपर डेक पे चले गए थे, जहाँ से व्यू वॉज लाइक फैंटाब्यूलस। इवनिंग टाइम पे अटल ब्रिज एंड रिवर फ्रंट के आसपास की लाइट्स ऑन होते ही इतना सुंदर नज़ारा था, लाइक हैप्पी एंड प्राउड टू सी माय ब्यूटीफुल अहमदाबाद लाइक दिस। इवनिंग में हमने म्यूजिक ऑन होते ही डांस किया एंड और भी गेस्ट वहां पर थे जो हमारी तरह बहुत एंजॉय कर रहे थे। इंजॉय करते और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया हमारे वापस जाने का और 1.5 आवर भी पास हो गया।
this beautiful restaurant was fantastic in the evening and magical in the night. So it was really very nice experience to me. And you can see light coming ke baad kuch dikh raha hai. So it's like bahut hi beautiful view. अगर आप और भी नई नई अपडेट जानना चाहते हैं हमारे सिटी के बारे में, हमारे टाउन के बारे में, तो डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में आगे बनाती रहूँगी. आई एम गेटिंग मेनी मोटिवेशन फ्रॉम माई सब्सक्राइबर्स एंड यू ऑल. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एंड बाय बाय. हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा. बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.